व्यक्ति से आज के हमारे शोध संस्थान के हमारे सलाहकार और साथ में आज के वक्ता मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री, डॉक्टर चेतराम जी गरह, डॉक्टर सूरज जी और श्रीमान भूमिगत जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए व मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बार बार वेलकम। विभिन्न प्रकार के अन्य पुस्तक प्रकाशन, शोध प्रकाशन, इतिहास दिवाकर शोध पत्रिका सहित कई प्रकल्प जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसी संकल्पना में आज हम एकत्रित हुए हैं इस राष्ट्रीय परिसंवाद में। हमें आज सम्माननीय मंच का मार्गदर्शन मिलने वाला है। अब मैं संकल्प पाठ के लिए आग्रह करना चाहता हूँ डॉक्टर ओमकार सरोज जी से कि आप आए व संकल्प पाठ। अब संकल्प पाठ। ओम श्री विष्णु 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 श्री सच्चिदानंद परमेश्वरस्य आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्म द्वितीय प्रार्थे 150वें वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अहनो द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते अष्टमे श्री श्वेत प्राह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे द्वाविंशति उत्तर एक शताधिक पंच सहस्र तमे कलिवर्षे सप्तदीप मध्य स्थिते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्ते उत्तर दिग्भागे ज्वालामुखी क्षेत्रे विपाशा शतद्रु नद्योर्मध्ये हिमाचल प्रांते हमीरपुर मंडल अंतर्गते झनियारी देव्याः अंचले स्थिते नेरी नामनी ग्रामे अद्य अष्टसप्तति उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे राक्षस नाम संवत्सरे दक्षिणायने सूर्ये हेमंत ऋतौ मार्ग शीर्ष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ शनिवासरे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये चंद्रे च कुंभ राशि स्थिते गुरौ अनुराधा नक्षत्रे सुकर्मा योगे
तदनुसारम् एकविंशति उत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य चतुर्थे दिनांके 4 दिसंबर सन 2021 भारतस्य स्वतंत्रताया पञ्चसप्ततितमस्य वर्षे अमृत महोत्सवस्य उपलक्ष्ये इतिहास शोध संस्थान नेहरी मध्ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलनम् अधिकृत्य राष्ट्रीय परिसंवादस्य आयोजनम् अस्माभिः क्रियते। शोध संस्थान संस्थापक ठाकुर राम सिंह महाभागानां पुण्य स्मरणं कुर्वाणः तेषां संकल्प पूर्त्यर्थं कार्य संकल्पं वयं कुर्मः। ओम शांति शांति शांति। अब इस संकल्प पाठ का संक्षेप में हिंदी अनुवाद। हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्री सच्चिदानंद परमेश्वर की आज्ञा से प्रवर्तित सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की आयु के दूसरे प्रार्थ में 51वें वर्ष के प्रथम मास के प्रथम पक्ष के प्रथम दिन के द्वितीय प्रहर के तीसरे मुहूर्त में श्री श्वेत प्रह कल्प के 7वें व्यवस्थित मनमंत्र के 28वें कलियुग के पहले चरण के 5122वें वर्ष में जम्बूद्वीप के भारत वर्ष में आर्यवर्त के उत्तर भाग में स्थित ज्वालामुखी क्षेत्र में व्यास और सतलुज नदियों के मध्य में स्थित हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चंद्यारी देवी के अंचल में स्थित इतिहास शोध संस्थान नेहरी में विक्रमी संवत 2078 राक्षस नामक संवत दक्षिणायन सूर्य हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि शनिवार को सूर्य और चंद्रमा के वृश्चिक राशि में स्थित रहने बृहस्पति के कुंभ राशि में स्थित रहने अनुराधा नक्षत्र और सुकर्मा योग में तदनुसार 4 दिसंबर सन 2021 को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के विषय में राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन शोध संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर राम सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए हम करने जा रहे हैं तथा ठाकुर जी के सुख संकल्प की पूर्ति के लिए कार्य करने का हम संकल्प लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। हरिओम। ठाकुरी जी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अब मैं इतिहास वाचन पुरुष वाचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर शशि जी को कि आप आए व इतिहास पुरुष वाचन प्रस्तुत करें। नमः सर्वाये सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ मंगलाचरणम्। मेघानाद घटा घटा दुर्घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बको विद्युत ज्योति च किमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नंद किशोर गोप बनिता वाचस्पति पाहि मां। अथ इतिहास पुरुष वाचनम्। ओम इतिहासः कुशाभासः सूकरास्यो महोदरः अक्षसूत्रं घटं बिभ्रत् पंकजाभरणान्वितः। ओम श्री इतिहास पुरुषाय नमः। इतिहास शोध संस्थान नेहरी स्वजागरण की इस पावन बेला पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन करके इतिहास के अनछुए पृष्ठों को खोलने का प्रयास कर रहा है जो आजादी के आंदोलन को पुख्ता करने के लिए मुख्य कारक रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं अतिथि स्वागत एवं परिचय के लिए अपने शोध संस्थान के सह सचिव डॉक्टर विकास सिंह को कि आप मंच पर आए व सम्मानीय मंच का परिचय हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर विकास सिंह नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी कार्यक्रम में हमारे मध्य हैं। आप पणजी गोवा के एक साधारण परिवार से संबंधित हैं। आपने सेंट जोसेफ विद्यालय वास्को डी गामा से 10वीं की शिक्षा ग्रहण की, तत्पश्चात एमईएस कॉलेज वास्को डी गामा से वाणिज्य स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। आपकी रुचि भारत के गौरवशाली इतिहास संस्कृति व साहित्य के प्रति है। आप
वास्को तथा पेरनम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य रहे तथा गोवा की प्रतिष्ठित विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने पंचायत वन पर्यावरण मंत्री के नाते भी दायित्व का निर्वहन किया है। आपकी इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्थान परिवार एवं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आज ऑनलाइन माध्यम से हमारे मध्य जुड़े हैं मैं माननीय राज्यपाल और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं अपने संस्थान के निदेशक एवं वैचारिक पक्ष प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। चंदन का पौधा माननीय राज्यपाल जी को भेज दिया गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच जुड़े हैं प्रोफेसर वसंत शिंदे जी। आप पूर्व में डीम्ड विश्वविद्यालय पुणे में आचार्य व कुलपति के पद पर कार्यरत रहे। वर्तमान में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के एडजंक्ट प्रोफेसर हैं। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के आप संस्थापक निदेशक हैं। दक्षिण एशिया के आप एक श्रेष्ठ पुरातत्वविद के रूप में जाने जाते हैं। आपने प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी और अर्ली सेटलमेंट्स इन सेंट्रल पाइपे बेसिन के ऊपर प्रतिष्ठित पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। आपने 35 से अधिक छात्रों का पीएचडी के लिए पर्यवेक्षण किया है। आप पिछले 41 वर्षों से पुरातत्व विषय पर गंभीर शोध एवं अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय के आप आधिकारिक विद्वान हैं। आपका इस राष्ट्रीय पुलिस संवाद के दौरान अध्यक्ष के नाते मार्गदर्शन मिलने वाला है। आर्य भारत के मूल निवासी हैं। इस सिद्धांत को आपने पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। वर्तमान में आप CSIR भटनागर फेलो के रूप में CCMB हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीज वक्ता के रूप में हमारे मध्य जुड़े हैं आज डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। वर्तमान में आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिष्ठित सलाहकार के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तिब्बत और कश्मीर के सांस्कृतिक राजनैतिक और ऐतिहासिक पक्षों के आप मर्मज्ञ विद्वान हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास सामाजिक सरोकारों व सांस्कृतिक पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से स्थापित किया है। आप इतिहास संस्थान के मार्गदर्शक के रूप में निरंतर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में बीज वक्ता के रूप में आप विराजमान हैं। आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं बीज वक्ता डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं, सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने संस्थान के माननीय निदेशक श्री नरेंद्र कुमार नंदा जी को। आप संस्थान के सम्माननीय निदेशक एवं परियोजना प्रमुख हैं। धन्यवाद जी। हमारे संस्थान के माननीय अध्यक्ष आज कार्यक्रम में अपनी सेहत के कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर विजय मोहन कुमार पुरी जी। आप इतिहास संस्थान नेरी के माननीय अध्यक्ष हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सरस्वती नदी
पर एशियोलॉजिकल दृष्टि से आपका गहन अध्ययन है। मूलतः आप धर्मशाला के रहने वाले हैं। आपका मार्गदर्शन गहन मार्ग हमें अत्यंत ऊर्जा प्रदान करता है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मंच पर हमारे साथ हमारे मध्य उपस्थित हैं संस्थान के माननीय निदेशक डॉक्टर चेतराम गर्ग जी। आप वर्ष 1990 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। नलावन सुन्नी जिला शिमला के आप मूल निवासी हैं। वर्ष 2006 से संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप संस्थान के माननीय निदेशक हैं तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। माननीय चेतराम गर्ग जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्यारचंद परमार जी को। श्री प्यारचंद परमार जी संस्थान के माननीय निदेशक एवं जो त्रैमासिक पत्रिका इतिहास दिवाकर इस संस्था से छपती है उसके व्यवस्थापक हैं। निर्माण संबंधी कार्यों में भी आप तत्परता से भाग लेते हैं। मंच पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सूरत ठाकुर जी। आप सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजकीय महाविद्यालय कुल्लू से। संगीत नाटक अकादमी और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के आप मान्य सदस्य हैं तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति हिमाचल प्रदेश के आप मान्य अध्यक्ष हैं। हिमाचल की कला संस्कृति संगीत व देव परंपरा से संबंधित लगभग 16 पुस्तकें आपने प्रकाशित की हैं। आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री जगबीर चंदेल जी को। श्री जगबीर चंदेल जी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। अपने संस्थान के आर्थिक पक्ष प्रमुख के नाते आप कार्य देखते हैं। अगला परिचय श्रीमान भूमिगत शर्मा जी। आप हमीरपुर के मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। संस्थान के आप माननीय निदेशक एवं महासचिव के नाते कार्यभार देख रहे हैं। आपकी संगठन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका रहती है। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। महासचिव जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संस्थान के माननीय निदेशक श्री विजय शर्मा जी। श्री विजय शर्मा जी, डॉक्टर भागचंद चौहान जी, कृपया। डॉक्टर भागचंद चौहान जी संस्थान के माननीय निदेशक हैं और वैचारिक पक्ष सह प्रमुख हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में डीन के पद पर कार्यरत। अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सहयोग मिला है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के से डॉक्टर नितिन कुमार हमारे बीच में है। मैं आपका भी डॉक्टर राजकुमार से आग्रह करूंगा कि आप इनका सम्मान करें। आप सहायक निदेशक शोध के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार, आप भी सहायक निदेशक शोध के पद पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में कार्यरत हैं। डॉक्टर राघवेंद्र जी से मेरा आग्रह है कि वो इन्हें भी सम्मानित करें। इसके अतिरिक्त कुछ परिचय मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूं। हमारे मध्य सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथ ही भोरंज विधानसभा क्षेत्र से
विधायिका श्रीमती कमलेश कुमारी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। विभिन्न प्रशासन से हमारे मध्य उपस्थित हैं हमीरपुर के की उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक, सातवें राज्यपाल के राज्यपाल जी के एडीसी हमारे मध्य उपस्थित हैं, पुलिस एवं प्रशासन के अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी जो हमारे बीच इस कार्यक्रम में हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्य श्री प्रेम सिंह भरमौरिया जी, प्रेम सिंह भरमौरिया जी पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त हैं, संस्थान के रखरखाव एवं निर्माण का कार्य आप देखते हैं और संस्थान के माननीय निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त मैं इस कार्यक्रम इस परिसंवाद में विभिन्न देश एवं प्रदेश से पधारे विभिन्न विषयों के विद्वानों का यहां स्वागत करता हूं, मीडिया के हमारे बंधु छात्र एवं अन्य जो भी बंधु यहां पधारे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपने बीच में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू से विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्येता विद्यार्थी प्रोफेसर हमारे बीच में हैं। सर, मैं आपका सभी का संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान से शोध संस्थान जारी कर रहा है। इसके साथ हमारे सहयोगी के रूप में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का इतिहास विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग सहयोग कर रहे हैं। इसके संयोजक डॉक्टर कमल चंद्र दीप जी सहायक आचार्य हैं, सह आचार्य हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग धर्मशाला में, और इसके आयोजन सचिव डॉक्टर राजकुमार जी वो रीजनल सेंटर में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। मैं परिसंवाद की भूमिका हेतु आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर कमल चंद्र दीप जी को कि आप मंच पर आए व आज के इस परिसंवाद के संदर्भ में अपना विषय हम सभी के बीच में रखें। डॉक्टर चंद्र दीप कमल जी। माननीय राज्यपाल महोदय, सम्माननीय प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, प्रोफेसर वसंत शिंदे जी, वी एम के पुरी जी, माननीय जेतराम जी तथा सभागार में बैठे सारे विद्वान जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, आज का जो दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद है जिसका विषय हमारे सबके सामने है, इसे आयोजित करने के पीछे कई कारण थे। एक तो ये हमारे स्वतंत्रता की वर्षगांठ है और हम 75वां जन्मदिन मना रहे हैं अपने देश का, अपने स्वतंत्र भारत का। तो हमारे मन में ये विचार था कि क्यों ना स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिसको आज तक हमने पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, हमारी जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स है उस तक वो बातें नहीं पहुंची। तो कई ऐसी स्मृतियां हैं, कई ऐसे वृतांत हैं, नरेटिव्स हैं, अनसंग हीरोज हैं, नेपथ्य नायक जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनके बारे में साधारण जनमानस को तो क्या इतिहास के विद्यार्थियों को भी नहीं पता। तो ऐसा ही एक प्रकल्प लेकर हम चले जब हमने सेमिनार को कंसेप्चुलाइज किया और हमने ये देखा कि हमारी जो हिस्ट्री राइटिंग है वो हमेशा से ही या तो पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड से लिखी गई, पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखी गई, या फिर हमारे देश के जो मूल तत्व है वो उस हिस्ट्री राइटिंग में से मिसिंग थे, हमारी हिस्टोरियोग्राफी में से मिसिंग थे। तो काफी विचार के बाद और जिस प्रकार से हमारा संकल्प है कि हम भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ेंगे उसको लेते हुए हमने इस सेमिनार का एक संकल्पना की। इसमें हमारे दो पक्ष रहेंगे इस सेमिनार में, एक तो क्षेत्रीय पक्ष हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से ऐसे नायक और नायिकाओं ने योगदान दिया है जिनके बारे में जनसाधारण को नहीं पता। आजाद हिंद फौज में हिमाचल प्रदेश के बहुत सेनानियों ने कंट्रीब्यूट किया था, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अंडमान की सेलर जेल में यहां से लोग कारावास में गए, उसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो इस तरह के बहुत सारे पहलू है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो बिल्कुल सबल्टर्न लेवल पे है लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं। उसी प्रकार देश में जब हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को हम देखते हैं तो हम ये कई बार मान के चलते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम राष्ट्रीय इन्वर्टेड कॉमास में हम कह सकते हैं, कहते हैं, वो 1885 के बाद शुरू हुआ। थोड़ा सा पीछे चल जाए तो 1860 के बाद शुरू हुआ। लेकिन 1857 से पहले बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की सूची में डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें इतिहास इस प्रकार से पढ़ाया गया कि हम ये मानते हैं कि इंडिया बिकेम अ नेशन ओनली आफ्टर ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि अंग्रेजों ने ही हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया, हम पहले राष्ट्र नहीं थे, वी वर जस्ट कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सो मेनी नेशंस। तो इस प्रकार की दृष्टि से जब इतिहास लिखा गया तो इतिहास कभी भी ना तो हमारी जो मूल धाराएं हैं, जो देश का चिंतन है, ना तो उसके साथ समन्वय बिठाता है, ना ही वो मुझे लगता है कि फैक्चुअल है, ना ही लॉजिकल है। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करते हुए हमने ये विचार किया कि हम इसमें इस प्रकार के विषय चुनेंगे जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है। लेकिन हमारी भी कुछ कमजोरी रही है जब से हमने इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि हमने चिंता ज्यादा की, हमने चिंतन कम किया। उस चिंता के फेर में हम जब मूल चिंतन को भूल गए तो फिर, क्योंकि इतिहास कहानियां नहीं, इतिहास तथ्यात्मक कहानियां है, तो हमने इस सब चीजों को लेकर के तथ्यों को जुटाते हुए हम अपने इतिहास की बात करें और स्वतंत्रता आंदोलन को एक बार फिर से पुनर्परिभाषित करें, जिनका योगदान हुआ है उनके योगदान को लोगों के सामने लाए, छात्रों के सामने लाए, ताकि ये एक इतिहास लिखने की जो परंपरा जो एक तरह से टूट गई है वो दोबारा से शुरू हो। तो ये सब करते हुए हमारा ये उद्देश्य है कि हम शायद तार्किक, फैक्चुअल, देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ इतिहास लिखें, और पश्चिमी दृष्टिकोण जिसमें हम अभी तक बंधे हुए हैं हर चीज को लेकर, चाहे वो जियोग्राफी हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, उससे हम बाहर निकले और अपना मूल हिस्टोरियोग्राफी ज्वलन करें, ताकि जिस तरह के स्कॉलर्स जिनको हम विदेशों के स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, हमारे अपने भी वैसे स्कॉलर्स निकले और इतिहास एक प्रकार से जो वास्तविक इतिहास है देश का वो हम सबके सामने है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार कि वो अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारे उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए, और हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर अग्निहोत्री जी और प्रोफेसर बसंत शिंदे जी जो इतनी दूर से आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दो दिन जिनमें ये टेक्निकल सेशंस चलेंगे उसमें जरूर मंथन होगा इतिहास के विभिन्न विषयों पर, क्योंकि सारे देश से हमारे साथ रिसर्चर्स जुड़े हैं और कुछ ना कुछ हम जरूर इस संगोष्ठी के माध्यम से नया लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवसृत चित्र के अवलोकन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं आज के सम्माननीय मंच से, और मेरा आग्रह है डॉक्टर ओमदत्त शर्मा जी से कि आप मंच पर आए व इस वृत्त चित्र का विमोचन आज के सम्माननीय मंच से के करकमलों से किया जा रहा है। कार्य डॉक्टर ओमदत्त शर्मा जी ने किया है, इसको आज वृत्त चित्र के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका अनावरण आज सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय मंच कर रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आग्रह करता हूं ओमदत्त सरोज जी से कि आप इसका विधिवत सभी के सामने प्रस्तुति करते हैं। नमस्कार। हिमाचल स्वाधीनता आंदोलन की गौरव गाथा, यह गाथा है 1857 की उन महान सेनानियों की जिन्होंने माँ भारती की बलि विधि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और जेलों में बंद होकर असंख्य यातनाएं झेली। यह गाथा है उन महान कृषक आंदोलनकारियों की जिन्होंने बेट बेगार भूमि बंदोबस्त और लगान के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। यह गाथा है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर अपने सुरों को आवाज दी। क्यों गाथा है आजाद हिंद फौज के उन महान सेनानियों की जिन्होंने विभिन्न मोर्चों पर लड़कर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए
और जेलों में बंद होकर असंख्य यातनाएं झेली। यह गाथा है प्रजामंडल के उन असंख्य कार्यकर्ताओं की जिन्होंने रियासतों में जाकर प्रजामंडलों का गठन कर झंडा बुलंद किया। यह गाथा है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की जो मां भारती की आज़ादी के लिए निरंतर गतिशील थे। तो आइए देखें और सुने हिमाचल की यह गौरव गाथा। जय हिंद जय भारत। हिमाचल देव भूमि है, हिमाचल ऋषि भूमि है, हिमाचल शिव भूमि भी है, हिमाचल वीर भूमि भी है। हिमालय और हिमाचल तो पर्यायवाची शब्द हैं, हिमाचल के स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा भी तो महान है। समूचे भारतवर्ष की तरह हिमाचल के जनमानस ने तुर्कों और मुगलों के आक्रमण देखे हैं। अंग्रेजों की कंपनी सरकार एवं 1 नवंबर 1858 की कंपनी शासन की समाप्ति की अधिसूचना के पश्चात ब्रिटिश सरकार की गुलामी के दंश भी झेले हैं। दोहरी गुलामी की प्रताड़नाएं भी सही हैं। अंग्रेजों के मंसूबों व दोहरी गुलामी के शोषण तथा बेट बेगार की प्रताड़नाओं के प्रतिकार स्वरूप समूचे भारतवर्ष में 1857 की महान क्रांति उठ खड़ी हुई। यद्यपि यह सैनिक क्रांति थी, परंतु इसकी पृष्ठभूमि में आम जनमानस का आक्रोश भी दिखाई देता है। हम इसे समग्र रूप से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। यद्यपि अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ प्रतिकार पहले भी हुए थे, 1857 की इस महान क्रांति के लिए प्रयुक्त म्यूटिनी, रिवोल्ट, सैन्य विद्रोह, गदर व बगावत शब्दों में ही इस क्रांति का चरित्र छुपा है। अंग्रेज भक्तों के लिए इस महान क्रांति का चरित्र विद्रोही लगता है। कसौली, जतो, सुबाथु, दक्षाई सैनिक छावनियों में तैनात सैनिकों को अंबाला कूच करने के आदेश दिए। अंबाला में ब्रिटिश सेना का हेडक्वार्टर था। कसौली की नसीरी सैनिक टुकड़ी ने अंबाला जाने से इनकार कर दिया। 16 मई 1857 को 45 क्रांतिकारी सैनिकों ने 200 से भी अधिक ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध हथियार उठा लिए और अंग्रेजों को सीधे चुनौती दी। कसौली में सूबेदार भीम सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व संभाला। देशी सैनिकों की टुकड़ी ने कसौली से जतो की ओर कूच किया। हरिपुर नामक स्थान पर जनरल जॉन एनसन के टेंटों को आग लगा दी। इससे चहु और ब्रिटिश सैनिकों में दहशत फैल गई। जैसे ही कसौली से इस सैनिक टुकड़ी ने जतो की ओर कूच किया, वहां का नेतृत्व दारोगा बुद्धि सिंह ने संभाला। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही कसौली में दारोगा बुद्धि सिंह ने अंग्रेजों के हाथ में पड़ने से पूर्व ही अपनी पिस्तौल से अपने आप को गोली मार ली। दारोगा बुद्धि सिंह मां भारती की बलिबेदी पर शहीद हो गया। इस महान सपूत को हम कैसे भूलें? हम कैसे भूलें सूबेदार भीम सिंह की शहादत को, जो अंग्रेजों के चंगुल से छूटकर रियासत रामपुर में भटकता रहा और अंत में उसने आत्महत्या कर दी। हम कैसे भूलें उन गुप्त संगठनों को जिसका नेतृत्व सुभाषु परेड ग्राउंड के निकट मंदिर के पुजारी राम प्रसाद वैरागी ने किया था। महाराजा पटियाला के राजगुरु व नसीरी सेना सहारनपुर बटालियन के सूबेदार को लिखे पत्र जैसे ही अंग्रेजों के हाथ लगे उन्हें पकड़ा गया और अंबाला में फांसी पर लटका दिया गया था। कमल और रोटी गुप्त संगठनों की सूचना के प्रतीक थे। हम कैसे भूलें उस घटना को जब नालागढ़ के
मलावण किले से अंग्रेजी फौज द्वारा ले जाए जा रहे गोला बारूद को देशी सैनिकों के साथ स्थानीय लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। यह गाथा भी महान है। 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों को सीधे चुनौती दे दी थी। हम कैसे भूले वजीर राम सिंह पठानिया की उस महान गाथा को, जब 1857 से पूर्व ही इस महान सुपूत ने शाहपुर कंडी दुर्ग को 400 स्थानीय वीर सुपूतों के साथ मिलकर अपने अधीन किया था। इस वीर सुपूत को 1848 ईस्वी में देश निकाला दिया गया और सिंगापुर भेज दिया गया। वहीं यह वीर सुपूत शहीद हुआ। डल्ले की धार, लोगों द्वारा गाई जाने वाली गाथाएं इस वीर सुपूत को आज भी जीवन बनाए हुए हैं। हम कैसे भूलें नूरपुर में स्थानीय लोगों व क्रांतिकारी सैनिकों की ब्रिटिश फौज के साथ हुई मुठभेड़ को। परिसंवाद से संबंधित स्मारिका जिसका प्रकाशन हुआ है, आप अपने करकमलों से उसका विमोचन करें। बड़ी मेहनत के साथ अपने संस्थान में रहकर इन्होंने इस किताब का संकलन किया है। हम आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं सर। मेरा आग्रह रहेगा सम्माननीय मंच से कि इतिहास लेखन में लोक गाथाओं का योगदान विषय पर हमारी दूसरी पुस्तक जो जिसका राष्ट्रीय परिसंवाद 2015 में हुआ था, इतिहास लेखन में लोक गाथाएं, उसका भी विमोचन आप करें। डॉक्टर साहब की अथक मेहनत से आज ये पुस्तक हम सभी के बीच में आई है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।